हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस। अभी हम डिस्कशन करेंगे जनरल बेथीमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशंस। सो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है इसको बोलते हैं जी बी सी ओ, मीन्स गैप को भी बोल सकते हो आप। सो इसके बारे में पूरा डिटेल्स में देखेंगे। सो गैप को के बारे में देखेंगे, अभी रिसेंटली न्यूज में है। ओके, सो सी बेट 2030 जो है अभी रिसेंटली न्यूज में, इसलिए जो है गैप को भी न्यूज में है। सो दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर द यूपीएससी आईएएस पीसीएस एसएससी के लिए एंड एक्सप्लेन बाय मी गणेश। सो चलिए देखते हैं इसके ऊपर पूरा डिटेल्स हम देखेंगे। सो गैप को क्या है? गैप को एक जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सो इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो हमारा जो वर्ल्ड में जितने जो कि ओशंस है, ठीक है, वर्ल्ड में जो ओशन है, सो ओशन फ्लोर को क्या है ना, मैपिंग करना इसका काम है गैपको का। सो गैपको जो है ये ओरिजिन हुआ था, जो कि चार्ट सीरीज इसका ओरिजिन हुआ था, इनिशिएट हुआ था 1903 में बाय द प्रिंस जो कि अल्बर्ट वन ऑफ द मोनाको। सो इसका जो एम है टू प्रोवाइड द मोस्ट ऑथोरिटिव पब्लिकली अवेलेबल बेथीमेट्रिक ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन। सो बेथीमेट्रिक क्या है? सो बेथीमेट्रिक क्या होता है और उसके सहायता से कैसे मैपिंग होता है, इसके बारे में भी समझेंगे। सो बेसिकली दिस इज द बेथीमेट्रिक इक्विपमेंट, आप बोल सकते हो। यहाँ पे बेथीमेट्रिक इक्विपमेंट क्या होता है? जो इक्विपमेंट के सहायता से जो कि ओशन का सी, जो कि ओशन का जो बेड है, ठीक है, तो उसको जो उसका जो कितना डेप्थ में है, ओके, सो वो कहाँ पे है, तो उसका पूरा डिटेल्स जो निकालते हैं उसको बोलते हैं बेथीमेट्रिक जो कि इक्विपमेंट बोलते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि क्या है, यहाँ पे एक सोनार है। सोनार क्या करता है ना, सोनार उसका जो है इको छोड़ता है। इको छोड़ने के बाद यहाँ पे जो है सी बेड है, तो सी बेड में रिफ्लेक्ट यहाँ पे टच करके फिर बैक करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक क्या है ना, अंडर वाटर व्हीकल है। अंडर वाटर व्हीकल भी सेम प्रिंसिपल में काम करता है, इको छोड़ता है फिर बैक होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक होकर बैक होता है यहाँ पे। सो इसको बोलते हैं बेथीमेट्रिक इक्विपमेंट। इसके सहायता से जो है ये गैप को जो है पूरा मैपिंग कर रहा है अभी। सो इट ऑपरेट्स द अंडर जॉइंट, ये कैसे काम करता है ना, इसका तो अकेला काम नहीं कर सकता इतना मैपिंग वर्ल्ड का जो है ओशन को मैपिंग करना। सो दैट ये क्या करता है ना, ये जॉइंट ऑपरेशन करता है जो कि इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन IHO बोलते हैं एंड इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक जो कि है कमीशन उसको बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों का सहायता से ये पूरा मैपिंग करता है। सो IHO जो है, IHO एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। सो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस जो है एंड दैट वर्क्स टू एंश्योर ऑल द वर्ल्ड का जो वर्ल्ड का सी है, ओशन है, नदी जो कि नेविगेबल वाटर से हैव टू सर्वे करना एंड उनका जो है चार्ट प्रिपेयर करना, ओके। इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1921 में। सो IHO के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। IHO जो है जो सर्वे करता है एंड जो चार्ट प्रिपेयर करता है उसके सहायता से अभी जो जितने सारा शिप्स है, जो कि क्या है मर्चेंट शिप है, नेवी शिप है, वो सब क्या करते हैं ना, वो नेविगेबल जो कि वाटर्स है उसमें वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं एंड इसके जो सर्वे का जो कि सर्वे करके देता है जो कि इंटरनेशनल जो कि हाइड्रोग्राफिक ऑफिस जो देता है उसके सहायता से ये लोग क्या है ना नेविगेबल करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं। सो इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1921 में। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी है थिंग जो ये है, इंडिया इज इट्स मेंबर, ठीक है, इंडिया एक मेंबर है इसका। सो IHO का जो सेक्रेटेरिएट है होस्टेड बाय द प्रिंसिपल टी ऑफ द मोनाको, ठीक है। सो दैट्स समथिंग।